हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस टॉपिक का नाम है पर्सनैलिटी पार्ट टू। दोस्तों, मैं ऑलरेडी पर्सनैलिटी पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग कंसेप्चुअल नॉलेज आपसे शेयर की और मैंने शुरुआत करी टाइप एंड ट्रेट थ्योरीज की। उस लेक्चर में मैं ऑलरेडी दो टाइप थ्योरीज आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और अब इस लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरी टाइप थ्योरी। वो है फिटमैन एंड रोजरमैन के द्वारा दी गई टाइप ए एंड टाइप बी थ्योरी। दोस्तों, फिटमैन और रोजरमैन ने बताया है कि एक व्यक्ति के अंदर दो तरह की पर्सनैलिटी होती है, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए वाले पर्सनैलिटी के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है दोस्तों, वो हमेशा हाईली मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन जब वो हाईली मोटिवेटेड तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ के अंदर उनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। हर चीज़ को वो जल्दबाजी में करना चाहते हैं, राइट, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा वर्क का स्ट्रेस उनके ऊपर रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कूल काम एंड कंपोज नहीं रह पाते हैं। और ऐसे पर्सनैलिटी वाले लोगों को अक्सर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हाइपर टेंशन, जो कार्डिक जो प्रॉब्लम है, हार्ट, हमारा जो हार्ट हार्ट है, उसके रिगार्डिंग डिजीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हाइपर टेंशन जैसी समस्याएं हैं, ये आपकी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है जो आपको पढ़नी भी है। तो यानी कि जो टाइप ए के जो पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं ना, अक्सर वो हाईली मोटिवेटेड तो होंगे, लेकिन हमेशा हर बात की उनको जल्दी रहती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमारे पास समय की बहुत कमी है, और हर चीज़ को जल्दबाजी में निपटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा स्ट्रेस रहता है काम का, और जिसके कारण उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज जैसी लाइफ स्टाइल डिजीज होने की संभावना उनमें ज़्यादा पाई जाती है। ओके, सेकेंड है टाइप बी पर्सनैलिटी वाले लोग। टाइप बी पर्सनैलिटी जस्ट इसका वाइस वर्सा, जो भी आप टाइप ए की पर्सनैलिटी बताएंगे उसका जस्ट रिवर्स आप टाइप बी में लिख देंगे आप, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है फिटमैन और रोजरमैन द्वारा टाइप ए टाइप बी देखिए पर्सनैलिटी की फीचर्स बताइए 15 शब्दों में, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेड थ्योरीज की। दोस्तों, ट्रेड में ट्रेड क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अब इससे हम डायरेक्टली मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोर्डन एलोपोर्ट थ्योरी की। गोर्डन एलोपोर्ट ने हमारे बताया कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में तीन तरह के ट्रेट होते हैं। एक होता है, पहला होता है कार्डिनल ट्रेट, दूसरा होता है सेंट्रल ट्रेट, और तीसरा होता है सेकेंडरी ट्रेट। अब हम पहले बात करते हैं कार्डिनल ट्रेट फीचर की। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, कार्डिनल ट्रेट किसी व्यक्ति के अंदर का वो कोर फीचर होता है जो परसिस्टेंट है, स्टेबल है, वो जो और बदलता नहीं है, यानी कि वो उसके नाम का पर्यायवाची बन जाता है। पूरा व्यक्ति, वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जिंदगी इन अपने इन्हीं पर्सनैलिटी के गोल को पूरा करने में लगा देता है। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी को हम सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं, औरंगजेब को कट्टरता का प्रतीक कहते हैं, धोनी को कैप्टन कूल कहते हैं, यानी कि ये सब उनकी जो विशेषता है, कार्डिनल फीचर्स है पर्सनैलिटी के, ये इनके नाम के पर्यायवाची बन चुके हैं। तो दिस इज कार्डिनल ट्रेट। सेकेंड होता है दोस्तों सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट जो होता है दोस्तों, ये हमारी पर्सनैलिटी का ऐसा फीचर होता है जो इतना जनरलाइज तो नहीं होता है कि हमारे नाम का पर्यायवाची बन जाए, लेकिन हाँ, जब ये कि हाँ, ये हमारी पर्सनैलिटी की विशेषताओं को बताता है। जैसे कि दोस्तों, जब आप किसी इंटरव्यू देते हैं या किसी जॉब के लिए आप अपना सीवी लगाते हैं, तो उसमें ऐसा लिखते हैं कि पूछते हैं ना आपसे कि अपने बारे में बताइए, तो कहते हैं सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम सिंसियर, आई एम डिलीगेंट। तो अपने बारे में ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये सेंट्रल ट्रेट है, ठीक है, ये लेस जनरलाइज्ड है। कार्डिनल फीचर की तुलना में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये लेस जनरलाइज फीचर है। नंबर तीन पे आते हैं आपके सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट का मतलब है दोस्तों, ये आपकी पर्सनैलिटी के सबसे लीस्ट जनरलाइज्ड फीचर, मतलब ये इतने लीस्ट जनरलाइज हैं कि ये समय के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, यानी कि आप एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट फीचर्स। दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हाल ही में राजस्थान के दो प्लेयर खलील अहमद और दीपक चहर भारतीय क्रिकेट टीम से खेले हैं। एक वक्त था जब सिर्फ गगन खोड़ा जी याद आते थे राजस्थान के प्लेयर के रूप में। अब इस वक्त दीपक चहर, तो उसे दीपक चहर इसका 27 से 28 साल का है, और 20 साल की एज में उसने रणजी मैच में सनसनी फैला दी थी, यानी कि उसको इंडियन टीम में डेब्यू करने में 8 साल लग गए। दोस्तों, सन 2010 तक पहले 10 से पहले वो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन था, सॉरी वेजिटेरियन था, लेकिन एक फास्ट बॉलर के लिए डिमांड आई हुई तो वो नॉन वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो आपकी जो सेकेंडरी ट्रेट है ना, उस टाइम को सिचुएशन को अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। ऐसा किसने कहा था, गोर्डन और एलोपेट ने अपनी थ्योरी में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें आपको सेंट्रल, कार्डिनल, सेंटर और सेकेंडरी तीनों ट्रेट के फीचर इसमें बताने हैं, राइट। सेकेंड हम बात करते हैं डिसिंक्स थ्योरी। दोस्तों, इसिंक ने अपनी थ्योरी के दो बेस बनाए थे, आप एक तो आपकी फिजियोलॉजी और दूसरा आपका जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब जो हमें अपने इनहेरिटेंट, अपने पेरेंट्स से जीन, जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर जो मिलता है, उसके बेसिस पे उसने अपनी थ्योरी दी थी, राइट। उसने इस थ्योरी में दो तीन तीन क्लासिक फीचर्स में उसने क्लासीफाई किया। पहला उसने लिखा न्यूरोटिज्म वर्सेज इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि जिस पर्सनैलिटी के अंदर
न्यूरोटिज्म होता है, इसका मतलब दोस्तों उसका संबंध उसकी न्यूरोन से है, दिमाग के न्यूरोन से है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हमेशा नर्वसनेस एंजाइटी का शिकार रहता है, उसको हमेशा बहुत सारा स्ट्रेस होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इमोशनल स्टेबिलिटी, ऐसा व्यक्ति हमेशा कूल काम कंपोज होता है और रिलायबल नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वर्जन वर्सेज इंट्रो वर्जन। सेम, एक्स्ट्रा वर्जन को यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट कहा जाएगा, इंट्रो वर्जन को यहाँ पे इंट्रोवर्ट कहा जाएगा। जो एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति के फीचर होते हैं वही एक्स्ट्रा वर्जन के फीचर होंगे, जैसे कि वो सोशली इंटरेक्ट करना पसंद करता है, एडवेंचरस होता है, ठीक है, ओपन ओपननेस से बिलीव करता है। वही इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होता है वो अपने अंदर ही रहता है, ज्यादा किसी से सोशली इंटरेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है तीसरा है साइकोटिज्म वर्सेस सोशियोबिलिटी। तो सोशियोबिलिटी का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जिसको समाज में सबको प्यारा है, सोशली लवेबल है। और साइकोटिज्म ये ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिनमें एक एंटी सोशल एलिमेंट होता है, ठीक है, ये समाज के विपरीत काम करते हैं, राइट। जैसे कि आपके जो मिलिटेंट हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग होते हैं, अक्सर ये किस पर्सनैलिटी के होते हैं, साइकोटिज्म पर्सनैलिटी के होते हैं, राइट। तो आपसे एग्जाम में ट्रेट थ्योरी में गोडल एलोपेट थ्योरी और एसिंक थ्योरी ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है न्यूरोटिज्म वर्सेज इमोशनल स्टेबिलिटी 15 वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्जन वर्सेज इंट्रो वर्जन 15 वर्ड्स, साइकोटिज्म वर्सेज सोशलिटी 15 वर्ड्स, राइट। 50 वर्ड्स में इनका पोटेंशियल नहीं है। नेक्स्ट आती लास्ट दोस्तों बिग फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इसे पोल कोस्टा और रॉबर्ट मैकारे ने इसको दिया था। इसमें बताया था कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में 5 तरह के फीचर्स पाए जाते हैं, ट्रेट पाए जाते हैं। पहला उसने कहा था ओपननेस फॉर द न्यू एक्सपीरियंस, मतलब ऐसे पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर एडवेंचर पसंद है, वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए एक्सपीरियंस को पाना चाहते हैं, राइट। और वहीं जो इसके विपरीत, जो इसके विपरीत नेचर के लोग होते हैं वो अक्सर ऑर्थोडॉक्स रिजिड और कंजर्वेटिव मेंटेलिटी के होते हैं, राइट। दोस्तों जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी आए अभी इन दिनों कुछ अच्छे प्रोग्रेसिव डिसीजन दिए हैं, जैसे कि अभी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर डिसीजन दिया गया, तो कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जो रिजिड थी, इसके ऊपर ब्रॉडली ब्रॉड एंगल से नहीं सोच रही थी, वही सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपननेस मेंटेलिटी से लिया और इसमें एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन दिया, राइट। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ओपननेस मेंटेलिटी के होते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों पर्सनैलिटी के होते हैं। नेक्स्ट होता है एक्स्ट्रा वर्जन, एक्स्ट्रा वर्जन जस्ट लाइक एक्सट्रोवर्ट, जो एक्स्ट्रा वर्जन के फीचर यहाँ पे वही फीचर यहाँ पे आपको लिखने हैं। थर्ड दोस्तों एग्रीबलनेस, एग्रीबलनेस का मतलब होता है दोस्तों ऐसे पर्सनैलिटी जो लोग होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव और फ्रेंडली नेचर के होते हैं, राइट, और वो हमेशा हेल्पफुल प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, किस कैटेगरी में कहते हैं, एग्रीबलनेस। चौथा है दोस्तों न्यूट्रिज्म, न्यूट्रिज्म सेम जो आपने यहाँ पढ़ा है सेम यहाँ पे आपको लिखा है न्यूट्रिज्म। एंड लास्ट है दोस्तों कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी, वो जो कॉन्शियसनेस पर्सनैलिटी जो लोग होते हैं वो हमेशा अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, रिलायबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने जीवन में, ठीक है। और जस्ट इसके जो विपरीत लोग होते हैं वो इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, वो यानी जो आप फीचर कॉन्शियसनेस के बता रहे हैं सारे इसके उल्टे फीचर इसके अगेंस्ट में लिख देंगे, ठीक है, इम्पल्सिव पर्सनैलिटी के अंदर। तो जो कॉन्शियसनेस लोग हैं वो अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है और अचीवमेंट ओरिएटेड अपनी लाइफ के अंदर। तो ये आपको ट्रेट एंड टाइप एंड ट्रेट थ्योरीज में पढ़ना है। इसके बाद मैं शुरू करूंगा दोस्तों साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसमें सिगमंड फ्रूड आपको अच्छे से समझना होगा और सिगमंड फ्रूड के ऊपर क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। एंड थैंक यू सो मच, बाय, टू बी कंटिन्यूड।